नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य की नीति के अनुसार बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से काम करने से लोग हो रहे हैं करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं जिनका हम बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारी दिनचर्या नींद से उठते ही प्रारंभ होती है। सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह सवेरे अगर हम कुछ खास काम करें और कुछ बातों का ध्यान करें तो ना केवल हमारा दिन अच्छा गुजरेगा बल्कि पूरा साल अच्छा गुजरेगा। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि जब वह सुबह उठे तो उसका दिन अच्छे से गुजरना चाहिए। फिर कभी बीच में भले ही कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से पूरा दिन बेकार हो जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो चाणक्य नीति और वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ है। यदि आपके दिन की शुरुआत अच्छे दिन से हो तो पूरा दिन अच्छे से ही गुजर जाता है। इसलिए सुबह सुबह शुभ काम करने और शुभ चीजें देखने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए जानते हैं उस परंपरा के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर एक है, सुबह सबसे पहले देखें हथेलियां। सुबह सबसे पहले उठते ही अपनी हथेलियां देखनी चाहिए। कहते हैं इसमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। और दोस्तों, नंबर दो है, सुबह भूमि को करें नमस्कार। जब हम धरती पर पैर लगाते हैं तो हमें दोष लगता है और इस दोष से मुक्त होने के लिए हमें धरती पर पैर रखने से पहले उसे नमस्कार करना चाहिए और धरती से माफी भी मांगनी चाहिए। और मित्रों, नंबर तीन है, गाय को खिलाएं रोटी। सुबह जब भी पहली रोटी बने तो वो गाय के लिए निकाल देनी चाहिए और जब भी दिन में हमारे आसपास गाय दिखे तो उसे खिला देना चाहिए। और मित्रों, नंबर चार है, सूर्य को चढ़ाएं जल। सुबह उठकर नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, साथ ही पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और मित्रों, नंबर पांच है, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उससे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। और जो लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो ऐसे घर स्वर्ग के समान माने गए हैं। ऐसे घरों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। और मित्रों, अगली बात है, रोज सुबह उठते ही थोड़ा बहुत प्रेम अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको सुबह उठते ही अपनी पत्नी के साथ थोड़ा बहुत प्रेम कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपके रिश्ते मधुर बनते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है। और यदि आप महिलाओं को खुश रखते हैं और उनको मान सम्मान देते हैं तो आपसे देवी लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, जिसकी वजह से उनकी कृपा आपके घर पे हो जाती है और आपका जीवन बहुत जल्दी खुशहाल बन जाता है।